बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कोहाट के मयूर अवाम, अस्सलाम वालेकुम। आज यकीनन आप लोगों के साथ मैं जो ख़बर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए भी बहुत एक मेरे ख्याल में बड़ी ख़बर है और जो आप लोगों की डिमांड थी उसी के मुताबिक है। और ये जो आज की न्यूज़ है वो है DHU हॉस्पिटल के लिए के हवाले से, जो ज़ाहिर बात है कि काफ़ी अरसे से रेफर टू पेशावर के हवाले से हमारी समाजी तंजीमें, हमारे कोहाट के लोगों की डिमांड बढ़ रही थी। तकरीबन 2 महीनों से एक सिलसिला इस पर शुरू था। आज से तकरीबन कोई 2 महीने पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वहाँ पे समाजी तंजीमें थी, हमारे मुंतखब लोग आए हुए थे, तो वहाँ पे जनाब सलीम अल्ताफ़ साहब ने DHU हॉस्पिटल के हवाले से और जो पूरा एक प्रोसेस था उसके हवाले से तफसीली ब्रीफिंग तमाम शुरका को दी हुई थी। तो उस मीटिंग में मैंने तमाम अपने कोहाट के लोग थे उनको बताया कि इंशाल्लाह जो इस हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो मशीनरी इस हॉस्पिटल की ज़रूरत है या अगर डॉक्टर्स की कमी है वो पूरी करनी है, तो इंशाल्लाह ये चूँकि सूबाई मैटर है तो इस पर इंशाल्लाह मैं भरपूर काम करूँगा और जो भी मुझसे हो सकता है मैं KDA हॉस्पिटल के लिए करूँगा। एक बात वाज़े आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि 2018 में ये हॉस्पिटल, इसको कैटेगरी ए का दर्जा मिल गया था, लेकिन उसके बाद इसकी हुकूमत जब चेंज हुई तो इसके बाकी जो इक्विपमेंट्स थे वो नहीं पहुंच पाए थे। आज जो मैं आप लोगों के साथ ये डॉक्यूमेंट्स शेयर कर रहा हूँ, ये उस मीटिंग में जो कमिटमेंट हमने की हुई थी, फिर हमने MS KDA को कहा कि जो भी इस हॉस्पिटल के लिए आपको इक्विपमेंट्स मशीनरी चाहिए वो लिस्ट हमें फराहम की जाए, तो उन्होंने एक लिस्ट हमें फराहम की और वो लिस्ट मैंने महकमा हेल्थ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ, हमारे मिनिस्टर तैमूर जगड़ा साहब के साथ शेयर की, हमारे डोनर कुछ एजेंसीज हैं उनके साथ मैंने शेयर की और आज उसकी जो मेरे साथ अप्रूवल आई हुई है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और इसमें जो DHU हॉस्पिटल के लिए जो मंजूरी आई हुई है वो उसमें कोई 17 आइटम्स इसमें जो डिमांड की गई थी DHU हॉस्पिटल की जानिब से, और उसमें सरफहरस्त उसमें MRI मशीन और CT स्कैन भी शामिल हैं और उसके साथ बाकी 17 आइटम्स हैं जो इसमें मौजूद हैं। तो ये मेरे कोहाट के अवाम की वो डिमांड थी जो उस हॉस्पिटल को देखना चाह रहे थे कि इसमें मुकम्मल मशीनरी हो, मुकम्मल इक्विपमेंट्स हो। डॉक्टर्स की जो कमी थी वो तो ऑलमोस्ट हम काफ़ी हद तक पूरी कर चुके हैं, अब इंशाल्लाह ये मशीनरी इक्विपमेंट्स भी आ रही है। तो अब हमारी जो जिम्मेदारी थी कि हम इंशाल्लाह इस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी पूरी करेंगे और इस हॉस्पिटल में जो मशीनरी इक्विपमेंट्स है वो इंशाल्लाह पूरी करेंगे। अब इसके बाद हमारे डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी है कि वो जो रेफर टू पेशावर का जो मामला है उस पर कम अज़ कम अब ये लोग काबू पाए, क्योंकि टेक्निकल लोग हम नहीं हैं। हम हॉस्पिटल को वो तमाम अशिया फराहम कर सकते हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से भी, कहीं से भी, वो हम इंशाल्लाह हमने अपनी कोशिश के मुताबिक हमने कर दी है और करेंगे इंशाल्लाह। और अब हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है, डॉक्टर्स की ज़िम्मेदारी है, पैरामेडिक्स की ज़िम्मेदारी है कि वो मेरे कोहाट के लोगों की बेहतर से बेहतर तौर पर उसके इलाज मुआलजे में कोई कमी ना लाए। और इंशाल्लाह ये जो मंजूरी आज हुई है इसका एक और प्रोसेस अब होगा, क्योंकि आपको पता है कि मंजूरी के बाद इसकी टेंडर प्रोसेस होते हैं और इस पूरे प्रोसेस के बीच में इंशाल्लाह लगा रहूँगा और जब तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, हॉस्पिटल में इंस्टॉल नहीं होती, मैं इसके पीछे लगा रहूँगा। और साथ साथ कोहाट के बाकी जो इश्यूज़ हैं जो मेरे कोहाट के लोगों की जानिब से मुझे और शहरयार खान अफरीदी को बार बार की जा रही है, बात वाजह करता चलूँ कि आप लोगों ने एतमाद किया है, PTI पे एतमाद किया था, हम पे एतमाद किया था, हम इंशाल्लाह अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो सारे जो इश्यूज़ हैं उसको ख़त्म कर सकें इंशाल्लाह। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये न्यूज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी और इंशाल्लाह बाकी भी जो मसाइल हैं उस पर भी हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबू पा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।